पानीपत के नोलथा गांव में 21 वर्षीय अनाथ युवक के साथ कुछ युवकों ने कुकर्म किया और बाद में सबूत मिटाने की मंशा से युवक के अंडरगारमेंट में तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक दुकान पर काम करके रात करीब 9:30 बजे वापस लौट रहा था। उसे गांव में चल रहे शादी समारोह में शामिल होने के लिए दूल्हे ने बुलाया और उसे अपने साथ शादी समारोह में ले गया। पीड़ित युवक का कहना है कि वह कुछ अन्य लड़कों के साथ बैठकर खा पी रहा था। खाने पीने की किसी चीज में उसे नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया, जिसकी वजह से वह शारीरिक तौर पर असहाय हो गया, परंतु उसे पता चलता रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। कहीं और ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया गया। होशावास वापस आने पर उसने जब विरोध किया तो कुकर्म करने वाले लोगों ने उसके अंडरगारमेंट पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मामला 6 मई का है और मामले की प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज कराई जा चुकी है, मगर अब तक पूरे मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसको लेकर गांव के लोगों में रोष पनप रहा है। गांव के युवक आक्रोशित हो रहे हैं। मैं जी दुकान से गया हुआ था, यहाँ से रात को करीब 10 बजे जी अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में जिसकी शादी थी वो मेरे को मिला, तो वो बोला बोला तू खाना खाने भी नहीं आया मेरे साथ, तो चल खाना खाते। उन्होंने पता नहीं मेरे साथ खाने में क्या खिलाया और क्या, 2-4 मिनट पीछे मैं बेहोश हो गया, पूरी बेहोशी की हालत में हो गया मैं। फिर पता नहीं, तो जो शादी थी एक वो था और 3-4 जने और थे उसके अलावा, तो जी फिर उन्होंने मेरे साथ जी मतलब गलत काम भी किया और क्या नाम लेते हैं फिर पेट्रोल डालकर फिर आग भी लगाई। हाथ जोड़ के मेरे प्रशासन से व सभी लोगों से यही विनती है कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, कि जो कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ है और जो भी इसके साथ जो ये जलाया गया है, जो भी इसके साथ कुछ भी हुआ है, तो इसके न्याय मिलना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के प्रशासन से यही विनती करता हूँ। कितने दिन हो गए घटना को? इसको हो गए 6 तारीख की बात है, इसको 6-7 दिन हो लिया, हमने पुलिस को भी रिपोर्ट कर रखी और सारे काम हो लिए, लेकिन इसको न्याय नहीं मिल रहा। जोड़ का अपने निवेदन करता हूँ, जो इस लड़के के साथ है दुष्कर्म हो रहा है, उसकी पुष्टि भी हो रही है, ठीक है, तो इसको इंसाफ चाहिए। और हमने कानून को इतने 5-6 दिन हो गए हैं, हमने रिपोर्ट भी करी है, लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए हम शर्मिंदा है और आज जोड़ का हम आपसे कह रहे हैं कि इसको इंसाफ चाहिए। इसके साथ कुकर्म हुआ है, कुकर्म की पुष्टि सिविल हॉस्पिटल में हुई है, पुलिस 6 तारीख का ये क्राइम है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सभी लड़के इसके इलाज में लगे हुए थे, बार बार पुलिस को सूचना देते रहे, किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी आपसे विनती है कि इसको न्याय दिलाया जाए।